आगरा में गरीबों के लिए बने काशीराम आवासों में अब लोगों को रहने से भी डर लग रहा है। आपको बता दें कि करीब 10 साल पहले कालिंदी विहार में बने काशीराम आवासों की हालत काफी खराब हो गई है। जगह जगह से प्लास्टर गिरने के साथ ही दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। लोग जर्जर हो चुके आवासों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ न तो लोगों को पानी की सुविधा मिल रही है और न ही आवासों की हालत अब रहने लायक बची है। नाम बताओ। हरिशंकर गोला। गोला जी, यहाँ पर कितने समय से आप रह रहे हैं? 8 साल हो। और क्या स्थिति है इन मकानों की? इनमें स्थिति यह है कि जर्जर रहे, पानी में जड़ रहे हैं बुरी तरीके से। गिरास हुए आपके सामने, पिलर फट रहे हैं, और तुम्हारे जैसे पानी आता है या आंधी आती है करी करके, जैसे कल की स्थिति में आया था पानी तो झड़झड़ के गिर रहे थे, तो हम लोग बाहर खड़े हुए थे रोड पे। कैसा था बिल्डिंग, ऐसा लग रहा था कि गिरने वाली है। छतों पे से पानी टपक कर नीचे आता है। अब रह रहे हैं, मजबूरी है, कोई भी स्थान नहीं है रहने को। लेंटर वेंटर क्या गिर गए हैं इसके? लेंटर की नीम फट गई है, नीम जो फट चुकी है, और जो प्लास्टर जो है और जो छज्जे हैं मकानों के वो गिर रहे हैं, उससे छुटेल भी हुए हैं कुछ लोग। अच्छे यहाँ से क्या छोड़ के भी चले गए? हाँ जी, कुछ मकान आधे से ज़्यादा मकान खाली हो चुके हैं इनमें से। जो उनकी कवाड़ें टूट गई हैं, प्लास्टर उखड़ गया है। आलम यह है कि 8 ब्लॉकों में बने करीब 1500 आवासों में से पिछले एक साल में 400 से अधिक परिवार आवासों को खाली कर गए हैं। लोगों का आरोप है कि आवासों के निर्माण में सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। शांति जी, क्या स्थिति है इन मकानों? 9 साल से रह रहे, सीवर लाइन खराब पड़ी है, कोई सब यहाँ देख रेख नहीं है। बिल्डिंग के छज्जे गिर गए हैं, लैट्रिन अंदर घर में भरी है, बिल्डिंग की ईंट ईंट दिखाई दे रही है, और सर मैं बहुत परेशान, बहुत मजबूर हूँ, इसलिए यहाँ रह रही हूँ। अरे मकानों की स्थिति क्या है, छतों की स्थिति क्या है? अरे सर, टपक रहे हैं, आंधी तूफान आते हैं, यहाँ रहने में बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, हमारी समस्या ऐसी है, हम परेशान हैं, इसलिए यहाँ रह रहे हैं। यहाँ की कोई रेख देख नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। 2009 में नाम बताइए। नाम पदम सिंह सनाब बाबू सिंह। पदम सिंह जी, ये बताइए कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हमने आए हैं 2008 में। अच्छा, 2009 में बने थे, 2008 में रह भी आए गए हैं। और अब जो मकान की ऐसी हालत है कि वर्षा हुई तो बाहर डरे रहते हैं, पानी टपकत हुए, सीमेंट जत हुए, मकान कितने कछु गिर गए हैं, और आंधी आंधी निकल गया क्या? हाँ, प्लास्टर निकल गया सब झाड़ के, पानी छुटावे कत्व है, और तूफान आवे तो मिट्टी प्लास्टर सब कितना तो बाहर जाते हैं, भज भज के बाहर रोड पर डरे रहते हैं, सब बच्चन लेकर पूरी पूरी रात रहने पर। डर लगता है आपको यहाँ रहने में? डर इतना लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब खाली है वो। अच्छा, कितने लोग रहते थे यहाँ पहले, अब क्या स्थिति है? पूरा ब्लॉक छक भर रहा हूँ, जहाँ में बहुत आदमी, कम से कम 200-250 आ रहे, अब जहाँ में ज़्यादा 15-20 घर रह गए हैं। आपको बता दें कि 2007 में बसपा शासन में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने काशीराम आवास योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद साल 2010 में आवासों का निर्माण पूरा होने के बाद पात्रों को मुफ्त में आवास उपलब्ध कराए गए। उस समय गरीबों को लगा कि उनके सिर पर छत आ गई है और अब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छत कुछ ही दिनों में जर्जर हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट।